हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं। अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ फिजिक्स का एक और वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत हूँ अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, तो पूरा एंड तक के वीडियो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र की। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आए हैं चैनल पर वो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, ये 2017 में पूछा गया था। तो सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंशों क्रांतिक कोण कहलाता है, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य सिद्धांत पर आधारित हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कार्यरत हो और आधारित भी हो, ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 में पूछा गया था। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, ठीक है। नंबर 1, हजामत करने में। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में। नंबर 3, कार के हेडलाइट में। नंबर 4, टार्च में तथा टेबल लैंपों के शेड में परावर्तक के रूप में किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा 2019 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलेंगे दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था, 2018 में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, इसी वर्ष 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो वो लाल रंग की होगी दोस्तों, लाल रंग में जो प्रकाश की चाल होगी वो अत्यधिक सर्वाधिक होगी। तो इसमें से कौन से वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण रक्त ताप दिखना संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। दोस्तों, ये जो घटना होती है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होती है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति 2D यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष होगा, तो उसका दूर दृष्टि दोष होगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष होगा इसमें। तो कौन से वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य क्षेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होगी वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी होती है, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, लेंस की प्रकृति होती है वो होती है अभिसारी, ठीक है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें हम कौन से वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। और ये जो प्रश्न है 2016 और 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 अंश है तब प्रकाश की एक किरण 50 अंश पर आपतित होती है, तो इसमें अल्पतम विचलन होता है, यानी कि अल्पतम विचलन कोण का मान बताना है आपको, तो वो होगा 40 अंश, ठीक है, 40 डिग्री। ये 2013 में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, तो वो बैंगनी रंग का होगा दोस्तों, ये कौन से सेकेंड वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशिक तंतु
में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है दोस्तों तंतु के पदार्थ से कम होता है। ठीक है, ये 2018 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाशिक तंतु में से निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होती है? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होगा लाल रंग। लाल रंग में प्रकाश की चाल बहुत ही अत्यधिक सर्वाधिक होती है और लाल रंग पानी में घुलने पर अत्यधिक तेजी से सर्वाधिक वो प्रकाश की चाल करता है दोस्तों। तो इसमें कौन से वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे? फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ तक कि मैंने कंप्लीट किया है और वीडियो आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका PDF मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।